अरे अब फोन ले लिया सैम, छोड़ो छोड़ो सैम भैया फोन छोड़ो। देखो देखो सैम भैया हमसे पंगा मत लो नहीं तो बहुत बुरा होगा। हम क्या लक्ष्मी सैमी को मत छेड़ा करो वरना 14 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे और वो भी पेट में। गुड बॉय सैमी, गुड बॉय सैमी। हेलो कुमार साहब, मैं नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल मल्होत्रा बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए फरमाइए जी। मुझे रवि के बारे में आपसे बात करनी थी। रवि के बारे में? रवि के बारे में क्या बात करनी? जी ऐसी बातें फोन पे नहीं की जाती है, इसलिए अच्छा होगा कि अगर आप कॉलेज पे आ जाएं या फिर मैं आपके घर चला आऊं। नहीं 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 नहीं, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आपके पास हाजिर होता हूँ। ठीक 10:30 बजे। ये क्या रवि बाबू, फोन तो बड़े साहब के लिए था और आपने तो बड़े साहब की आवाज में बात कर ली। अबे मैंने तो सिर्फ बड़े साहब की आवाज में बात की। तुम्हें तो कल बड़े साहब बनकर मेरे साथ कॉलेज जाना होगा। अच्छा यस मैं कम इन सर। कम इन सर, ये मेरे पिता किधर गए? सर आइए ना बैठिए। कहिए क्या लेंगे आप, चाय कॉफी या कुछ ठंडा? अंडा? रवि तुमने अपने प्रिंसिपल को बताया नहीं कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ? मैं अंडा वंडा नहीं खाता। अंडा? मैंने ठंडा कहा था, अंडा नहीं। हाँ हाँ वही वही वही, मैं भी अंडा ही कह रहा हूँ। मैं अंडे की बात कर रहा हूँ, ठंडे की बात कर रहा था, अंडे की बात नहीं। मैं संडे को भी अंडे नहीं खाता। डैडी रिलैक्स। वो क्या है सर? वो क्या है कि मेरे पिताजी जरा ऊंचा सुनते हैं। कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूंगा। आप खाने पीने की बात छोड़िए और ये बताइए कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। जी वो मैंने आपको मैंने आपको रवि के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। वो लड़की? लड़की? आप अपनी लड़की की शादी रवि से करना चाहते हैं? आपने अपनी औकात देखी है? क्या तनख्वाह आपकी? आप जितना कमाते हैं उतने के बिस्कुट तो हमारे घर के कुत्ते खा जाते हैं। मैं कुत्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शादी की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं रवि की शिकायत कर रहा हूँ। शिकायत? क्या? रिलैक्स। रवि की चाहत क्या चाहता है ये? इसकी चाहत की औकात क्या है? जो मैं चाहूंगा वही होगा, समझे आप? अगर इसने मेरी चाहत को नहीं माना तो मैं इस लुच्चे को, लफंगे को। अरे ये आप क्या कर रहे हैं, जवान बेटे को मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? चुप रहिए। अरे लड़की, जवान बेटे कुमार साहब, डैडी रुकिए, मारूंगा तेरी। अब बीच में बताइए आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। पिताजी को यहाँ से ले जा। लेकिन सर, मैं आपको अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? मेरा जो होने वाला वो होगा, अब यहीं से ले जाओ यहाँ से। चलिए चलिए डैडी, घर चल तू, घर चल, तू आ तो सही घर में। प्लीज डैडी चलिए। क्यों छोटे बाबू, कैसी एक्टिंग की हमने? तू इतना अच्छा एक्टर है ये मुझे आज ही पता चला। बिल्कुल A1 एक्टिंग की तूने। छोटे बाबू तब तो इनाम भी हमें A1 मिलना चाहिए। अरे A1 क्या, हम तुम्हें A to Z इनाम देंगे। अच्छा जल्दी दीजिए, जल्दी जल्दी छोटे बाबू जल्दी। अरे क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं, जबान के अलावा हर चीज जो दुख रही है। लेकिन ये हुआ क्या, इतनी चोटें लगी कैसे? बाप जो बनने गया था। क्या? मुझे तो कभी हाथ तक नहीं लगाया और वहाँ बाप बनने गया था। खबरदार जो मुझे कभी बुलाया, बुलाता मुझे और बाप कहीं और बनने जाता है। अरे अरे नकली बाप बनने के चक्कर में दबाने वाली भी गई। छोटे मालिक, अरे छोटे मालिक और क्या क्या छुड़वाओगे मेरा।